हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश NIOS इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि NIOS की साइट पे लॉगिन कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा मैं आप लोगों को TMA के मार्क्स भी दिखा दूंगी कैसे देखा जाता है। तो जैसे कि नॉर्मल आप लोगों को गूगल खोल लेना है, उसमें जो है आप लोग को NIOS सर्च करना है। NIOS सर्च करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे जाना है, उसमें स्टूडेंट्स लॉगिन आप लोग को दिख रहा होगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जो है स्टूडेंट्स लॉगिन करके एक ब्रैकेट बना होगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज जो है रीलोड होकर आ जाएगा। उसमें जो आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन में जो अपना GMAIL ID भरना है, जीमेल जो है आप लोग का, उसके बाद आप लोग को पासवर्ड डालना है, कोई सा भी पासवर्ड। किसी बच्चे का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जीमेल और पासवर्ड फिल कर रखा है, ये मैं आप लोग को शो नहीं कर सकती इसलिए। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ब्लैंक है उसके ऊपर जो एक वर्ड लिखा हुआ है वही आपको सेम जो है यहाँ पे टाइप करना होगा। मतलब ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो वर्ड अल्फ़ाबेट जो कैपिटल में है वही लिखना है, जो स्मॉल में है वही लिखना है, जो नंबर है वही लिखना है, सेम उतारना है, वरना आप लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं देख लीजिए वही सेम उतार रही हूँ, जैसे कैपिटल है स्मॉल है जहाँ पे वही कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग को लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर जो है ब्लू बॉक्स में आप लोग का नाम लिखा होगा, बाकी आप लोग की डिटेल्स लिखी होंगी। उसके बाद जो है ये इसमें आ जाते हैं, इसमें आप लोग का मेन काम है। यहाँ पर आप लोग को अपना TMA के मार्क्स देखने मिलेंगे, जैसे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट लिखा हुआ है, हमें तो इसमें काम है। बाकी ये सब देखिए, सब बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, तो आप लोग कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखनी हो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। माई डॉक्यूमेंट है, प्रिंट है, पब्लिक एग्जामिनेशन से आप लोग एग्जाम्स रिलेटेड पता कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स के लिए भी है इन्फॉर्मेशन, नोडल सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो अगर पता करना है आप लोग को तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आते हैं मेन चीज़ में जो हमें काम है, जिसमें जो ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में जो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को दिखेगा TMA स्टेटस, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस तरह से आप लोग का जो है TMA मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड TMA के बारे में सब कुछ ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोग के सब्जेक्ट लिखे होंगे, उसके आगे जो आप लोग का जो सबमिट है या सबमिट नहीं है आप लोग के मार्क्स, वो आप लोग का लिख कर आएगा पूरा डेटा कि आप लोग का क्या रिकॉर्ड है पूरा। तो जैसे इसमें देखिए, आप किसी बच्चे का जो एक सब्जेक्ट नॉट सबमिटेड है, मतलब उसके TMA के मार्क्स उसे नहीं मिले हैं, उसने TMA जमा नहीं करवाया होगा, तो उसके सामने जो है नॉट सबमिटेड लिख कर आया है। सबमिटेड वर्ड्स आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका मतलब यही है कि आप लोग के TMA के मार्क्स आप लोग को मिल चुके हैं और आप लोग का TMA का मार्क्स जो है आप लोग का सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग ने NIOS की साइट पर लॉगिन कर लिया, अब आप लोग को दोबारा अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखिए आप लोग को नॉर्मल जो है गूगल ओपन करना है, उसके बाद उसमें जो है NIOS स्टूडेंट्स लॉगिन आप लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे। पहले ही नंबर पर स्टूडेंट्स लॉगिन लिखा आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज ओपन होगा, उसमें आप लोग का जो नाम लिखा होगा जहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर नहीं होगा, ऊपर यहाँ पर लिखा होगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें डैशबोर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है, डैशबोर्ड ऑप्शन होगा, तो आप लोग की सारी डिटेल्स जो है लिख कर आ जाएगी पूरी, मतलब ये पेज जो है बन जाएगा डायरेक्ट आप लोग का। तो आप लोग को जो है पूरा लॉगिन वगैरह नहीं करना पड़ेगा कि जीमेल डालो, फिर पासवर्ड डालो, देन वो दूसरा वाला वर्ड वाला पासवर्ड डालो, तो इतना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आप लोग को सारी अपडेट जो है सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी आप लोग को डाउट हो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोग से और कहूँगी कि जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोग अपना जो पासवर्ड और जो भी जीमेल आप लोग अपना डालेंगे और जो भी पासवर्ड डालेंगे वो आप लोग एक जगह नोट करके रख लीजिएगा, चाहे या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जब लॉगिन करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करने बैठते हैं तो पासवर्ड एंड जीमेल सब भूल जाते हैं कि हमने क्या डाला था। तो मतलब जब आप लॉगिन करिएगा तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग को जब लॉगिन करना हो तो आप लोग भूले ना। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत आएगी आप लोग को पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो चलिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, नहीं तो मेरी आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक नहीं पहुँचेगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं अपने चैनल पर जो है NIOS के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।